थैंक्सगिविंग था लेक बताया बेटा, आपको ही बच्चा बताया एनीवन, अपने एक्सप्रेशन बताया बेटा, स्टार्ट कर दे मैं वर्टिकल बेटा हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज टेंस, टेंस का क्या मतलब है, कुछ तो बताया बेटा, टेंस माने को कहते हैं, इसके अलावा जो मेन आपकी फीलिंग्स है ना इंटरनल फीलिंग्स, उसको आप इंग्लिश में अगर बयान करना चाहते हो तो उसको टेंस कहते हैं, फकीजा मिल जाएगा आपको, ठीक है, क्या जो आपकी एक्सप्रेशन है, फर्ज करें आप एक आपको यूं मैं बता दूं, आज का लेटेस्ट दौर है जराज डॉट कॉम, हर कोई जानते हैं, कोई चीज आप मंगवाना चाह रहे हो फॉरन से, फर्ज करें आपका इरादा है कि मुझे वहां से जाना लिपस्टिक फॉरन की अच्छी कंपनी की है मंगवाना, हो सकता है शूज होते मैं खुद मंगवाता हूँ, तो वहां से जो आपको डीलिंग करनी पड़ती है वो किस में लिखना पड़ता है, इंग्लिश में लिखना पड़ता है, या वर्बल आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है इंग्लिश में, यानी कि आपके अल्फाज वही होते हैं, आप यही लिख रहे होते हैं कि मैं ये है ये मैं सूट पसंद करती हूँ या ये चीज पसंद करती हूँ, ये मैं मंगवाना चाहती हूँ और ये मैं इतने प्राइस में मंगवाना चाहती हूँ, मुझे देंगे ये मैं किस तरीका का है, तो ये सारी चीजें किस में इंग्लिश में बयान करूँ, ठीक है, आई लाइक योर प्रोडक्ट एंड आई वांट टू परचेज इट एंड व्हाट इज योर नेक्स्ट प्रोसेस फॉर टू परचेज दिस प्रोडक्ट, ठीक है ना, तो इस तरह से जो है जब आप वो करेंगे तो वो उसको समझ भी आ जाएगी, लेकिन उसके लिए सेंस होती है, टेंस होता है, टेंस का मतलब रिलैक्स होना है, आपने परेशान नहीं होना, मैं बहुत ही इजीएस्ट वे में आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप लोग क्लियर नहीं हो, ठीक है, इसमें बार बार सीखने से एक दफा सीख ले अच्छे तरीके से सीख ले, ठीक है, तो आज पहले हम पढ़ेंगे अपनी क्या टेंस क्या होता है बेटा, आपकी जो एक्सप्रेशन है जो आपकी फीलिंग्स है उसको इंग्लिश में बयान करने का तरीके वो क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं, एंड जैसे आप उर्दू में क्या होता है रुबेदाजी होती है, और इसी तरह अरबी में भी एक लुगत है उसके अलहदा है, वो क्या हर चाइनीज चाइना आप जाना चाहते हैं चाइना के एमए पीएचडी के लिए लोग जाते हैं तो चाइना में जानते वक्त पहले उनकी चाइनीज लैंग्वेज सीखते हैं, उसके बाद मेरे दोस्त हैं वो गए हुए हैं चाइनीज का कोर्स होता है एक साल का, वो कोर्स देते हैं पहले वो क्लियर करना होता है, उसके बाद क्यों वो वहाँ में जितने भी लेक्चर होते हैं चाइना लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है ना, समझ आ गई इसकी, अब इसमें आप देखिए बेटा टेंस में कितने मेन पार्ट होते हैं, तो हमारे पास चीजें होती हैं, ये तीन चीजों के दरमियान रोटेट करता है, एक होता है प्रेजेंट, क्या होता है प्रेजेंट की बात करते हैं इसमें, और दूसरे की क्या होती है बेटा पास्ट की बात करते हैं, और तीसरी कौन सी चीज होती है बेटा फ्यूचर की बात करते हैं, ये बेटा मैंने वो तीन चीजें लिख दी हैं आपकी जिंदगी में, इनसे वास्ता पड़ता है नहीं पड़ता, प्रेजेंट में पड़ता है, मैं रोटी खाता हूँ मैं रोटी पकाती हूँ फला फला, ये सारी चीजें जितने भी हैं सुबह से लेके आपके सारे एक्टिविटी, सुबह उठते हैं आप नहाते हैं मुंह हाथ धोते हैं उसके बाद रोटी खाते हैं उसके बाद स्कूल आते हैं, मैं स्कूल जाती हूँ मैं स्कूल जाता हूँ फिर सर पढ़ाते हैं पढ़ाती हूँ, ये सारी चीजें जितने भी आपके यानी कि वो प्रेजेंट आज की डेट में जितने काम हो रहे हैं वो प्रेजेंट में आ रहे हैं, ठीक है, इसकी मजीद आगे चार कैटेगरीज हैं वो आपको पढ़ाऊंगा मैं डिटेल में आपके जहन में होना चाहिए, कितनी कैटेगरी हैं और पास्ट में कितनी है उसमें भी चार है और फ्यूचर में कितनी है बेटा चार कैटेगरी है टोटल, तो टोटल ये हमारे मिला के कितने के फोर फोर ट्वेल्व, पास्ट में क्या होता है बेटा जो हमारा गुजरा हुआ का आज का दिन अभी तक टाइम जो आप गुजार चुकी हैं बेटा जो पिछला गुजर चुका है वो आपका पास चला गया है, 12:30 से लेकर पिछला क्या है आपका पास्ट है, आप जहां तक चले जाएं उसको बयान करने का एक तरीका होता है, आप आज बात बयान करेंगी या फिर आप बेटा अपने पिछले बचपन को बयान कर रहे हैं या आपके पहले से जो लोग थे उनको बयान कर रही है, तो सारा जितना भी है वो जैसे आप सूरह सनम का दौर होता है वो टोटली आप बताओ हमारे दरमियान है सब अगर नहीं है जो आपकी बुक्स में राइटर रहा है ना है नहीं वहाँ का क्या इस्तेमाल होता है वास के इस्तेमाल होता है या पहली दूसरी फॉर्म का होता है तो कहाँ कहाँ उनको हमने एडजस्ट करना है वो आपने सीखना है, ठीक है, फ्यूचर में क्या हो जाता है मेरी बात सुन ले जिनमें पढ़ा हुआ है गुड दी गोटन को अच्छी तरह से इंजॉय करें वो ये ना समझे कि हमने पढ़ लिया है, ठीक है, जो इल्म होता है ना बेटा वो मैंने आपसे भी सीखना आप मुझसे भी सीखेंगे, ठीक है ना, इसकी कोई उम्र नहीं होती, ठीक है, हमारे प्रोफेसर होते थे जीएम मलिक साहब होते थे जब आते थे ऐसे ऐसे उसका सर काम रहा होता था जब पढ़ाने आते थे इधर मैथ में पढ़ाते थे तो ऐसे वो यानी इतने बुजुर्ग थे तो वो हमें कहते थे बेटा मैं आपसे सीखने आया हूँ, और वो एंड में ये प्रूफ कर गए थे कि मैं आपसे ये चीजें सीखा हूँ, 10-15 उन्होंने नोट की मेरी पूरे सेमेस्टर में,
तो कहने का मकसद यह है कि इल्म जो है सीखने का नाम है। हजरत अली का कौल है जिसने मुझे बेटा एक लफ्ज सिखा दिया, उसने मुझे अपना गुलाम बना दिया। गुलाम कौन होता है? वो फलां काम कर, फलां काम कर, फलां काम कर, ठीक है ना। मकसद यह है कि इतनी उन्होंने एक रिस्पेक्ट बताई है, ये नहीं है कि इल्म सीखने से आप गुलाम तो बनो, बिना गुलाम आपको बना देते हैं, नहीं, ठीक है। यानी कि रिस्पेक्ट दी गई है इस चीज़ को, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। फ्यूचर में क्या होता है बेटा, हमारे नेक्स्ट जो प्लानिंग्स हैं आपकी लाइफ के, आज से देख कल के लिए आपके लिए क्या टास्क है, वो कल, वो कल के हवाले से आप जो बातें करते हैं वो फ्यूचर्स में बात होती है उसकी। क्या होती है? फ्यूचर में बात। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कल मैं ये चीज बनाऊंगी, कल या मैं ग्यारह में कल हमारे दरमियान बता रहा हूँ कौन कौन से है प्रेजेंट में, कौन कौन से आएंगे ये आप नोट कर लें। प्रेजेंट में आ जाता है पहला टेंस जो है हमारा प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, कौन सा होता है? प्रेजेंट इनडेफिनेट। ये मेरा प्रेजेंट को आप पहले छेड़ रहे हैं, ठीक है ना, उसमें आपकी कैटेगरीज बता रहा हूँ। उसमें पहला कौन सा है? आपको मैं उर्दू में भी साथ साथ समझाते जाओ, चलो आपके लिए इजी हो जाए। फेल हाल मुतले कहते हैं इसको, किसका? फेल हाल मुतले। उसके बाद क्या होता है बेटा? प्रेजेंट शाबाश, जिन्हें पढ़ा हुआ है गाइड करते आगे बच्चों को, कंटीन्यूअस टेंस। फेल हाल जारी, फेल हाल जारी। उसके बाद क्या होता है बेटा? परफेक्ट टेंस। फेल हाल मुकम्मल भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। ओके, उसके बाद क्या बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, फेल हाल मुकम्मल जारी। समझ आ गई है? yes. ये अपने पास नोट कर लें, जब ये नोट कर लेंगे तो आगे की तरफ फिर बढ़ते हैं। पास कर दें, पास जिस तरह ये फिर पास डेफिनेट था, पास कौन सा टेंस है? क्या कंटीन्यूअस टेंस? फेल माजी जारी, ठीक है। ये मैं इसलिए आपको वन बाई वन लिखवा रहा हूँ क्योंकि हमने ये थॉरली सारे स्टडी करने हैं इसके मुताबिक। फिर आपके लिए एक तरह का खुलासा है, क्या है? खुलासा है, समरी जिसको कहते हैं। फेल माजी मुकम्मल, फेल माजी मुकम्मल। फेल माजी मुकम्मल जारी। ये बेटा पास्ट हो गया ऊपर, यानी कि हमारी पास्ट की जितनी भी लाइफ है, जितनी भी चीजें हैं आज से लेकर पिछले तक, जब हम उनको कभी दे, जैसे आप विजिट टू जू, हम जू में गए 360 जू के हवाले से, अगर आपको मैं कहूँ कि बेटा उस पर आप कोई ऐसे वगैरह लिखे तो उस पर वो सारा किस में होगा? पास्ट में होगा, ठीक है। सारा कुछ लिखेंगे वन डे वो हैव डिसाइडेड टू वन डे फॉर गोइंग टू दी 360 जू, डिसाइडेड लव्स के अंत मैंने इस्तेमाल किया डिसाइड की दूसरी फॉर्मेटेड, ठीक है ना। इसी तरह जो 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 कैरीज वगैरह व्हीकल्स हमने अरेंज किए हैं सारा जितना भी एक्सप्रेस करेंगे ये सारा किस लोगों का पास नहीं होगा, ठीक है बेटा। क्या होता है? मुस्तकबिल को कहते हैं। किसको कहते हैं? पास्ट को लिख लेना। पास्ट किसको कहते हैं बेटा? माजी को। किसको? हमारा दूसरा कल कहते हैं। क्या दूसरा कल? फ्यूचर किसके है? मुस्तकबिल। इसमें भी बेटा जो चार टेंस हमें सर पढ़ेंगे उसमें क्या है? फ्यूचर इंडेफिनेट,
टेंस ठीक है पास्ट बेटा सेकंड वी हैव फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस अब इसको मैंने आपने नहीं बताया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फेल मुस्तकबिल जारी है यानी कि फ्यूचर की जो बारिश हो रही होगी ना इस तरह की जो मैं खाना बना रही होंगी हम क्रिकेट खेल रहे होंगे ये जो बातें होती हैं आप क्लास में बैठ के याद करते रहते हैं अक्सर संडे के हवाले से कमिंग संडे वो सारी फीलिंग्स क्या होती हैं फ्यूचर्स के हवाले से होती हैं फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जो उर्दू में आपको इसलिए बता रहा हूँ चले आपके लिए आसानी रह जाएगी जब मैं फिर समझाऊंगा ना लेक्चर उर्दू में दे रहा हूँ ना तो आपके लिए फिर आगे सीखने के लिए आसानी रह जाएगी परफेक्ट कंटीन्यूअस बिल्कुल ना समझें इट इज इजीएस्ट वे सुन के लिए है जिनको ये समझ आ गई जिनको ये समझ ना आए तो बिल्कुल ऐसे है जैसे मैथमेटिक्स में टेबल इस्तेमाल होता नहीं होता हमारी रोजमर्रा जिंदगी में होता नहीं होता खासकर एक गोवाला आता आपके देते ना तो मम्मा आंटी के मान के कहते हैं बेटा 30 महीने का हिसाब बना हो हम 1.5 किलो लेते रहे हैं तो आप क्या करती हैं 30 को मल्टीप्ली कर देंगे ना जो भी रेट होगा उसका तो उसमें जो जरा दे रही मल्टीप्लीकेशन उसमें क्या होता है टेप उसका यूज होता है टेबल्स का ठीक है इसी तरह डिवाइड होगा तो ये जितनी भी बुक्स आपको नजर आती हैं स्टेशनरी वगैरह जितनी दुनिया में इंग्लिश नामी चीज जितनी भी है वो 12 times रुके गिरते रोटेट कर ठीक है इसके बाद होता है एक्टिव वाइज पैसिव वाइज जब ये क्लियर हो जाते हैं तो नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह उसकी भी मैं सीरीज लगाऊंगा एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बाद में पढ़ेंगे लेकिन ये क्लियर होंगे तो आपको वो भी क्लियर होंगे ठीक है तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा जो भी समझ नहीं आए आपने देखना है जांचना है चेक करना है यहाँ अलहदा घर अलहदा लेक्चर से अलहदा बार बार सीखना है क्वेश्चनिंग रेजिंग करनी है जो चीज समझना है क्वेश्चनिंग करने से आप सीखेंगे ठीक है चले हम आज पहला टाइम स्टार्ट कर लें काफी है इतना आज पास्ट में किस में चल रहे हैं पहले प्रेजेंट में प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं सबसे टॉप भी यही होता है सबसे इजी भी यही होता है ठीक है उसमें पहला हम जो स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा है पहला पहला बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम प्रेजेंट लेंगे प्रेजेंट की चारों को कैटेगरीज को कवर करेंगे उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जब ये क्लियर होंगे तो फिर हम अगले की तरफ जाएंगे पास्ट में और फिर एंड पे हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे ठीक है प्रेजेंट समझना इसीलिए इजी होता है क्योंकि हम जो है ना प्रेजेंट में जो काम कर रहे होते हैं उनको काल करने के लिए वो एक्सप्रेस करना हमारे लिए आसान हो जाता है ठीक है तो मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको ज्यादा यानी कि वो नहीं बताऊंगा कि जिसमें आप ज्यादा यानी कि चक्कर में पड़ो बेसिक चीजें टू दी पॉइंट उनको रटा लगा लें जैसे गा लें वो वैसे ही है वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएंगी वो आपको याद हो जाएंगे हमें सर ने पढ़ाए थे हमें याद है अभी तक ठीक है ना मेरे पास वो कापी है पता नहीं एक दफा मैं देख रहा था कोई रद्दी में से कोई फटी पुरानी निकल गई थी वो एक डायरी टाइप मैंने बनाई थी तो वो ये याद नहीं रहती लेकिन जो आप मैंने गेनिंग की थी वहां से तो वहां से मुझे भी मेरा जो ससाना है वो मेरे बाबा ही हैं वाले साहब मैं जी स्कूल में पढ़ा हूँ मुझे नहीं समझ आई लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मेरा अपना एक ख्वाब है कि आप बच्चों को ये चीज़ अहम होती है ये आपको टीचर नहीं समझा सकती ठीक है ना तो ये एक एफर्ट का काम होता है ये इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास इसलिए लगा के दे रहा हूँ तो आप इसको सीखें ये चांस है आपके लिए प्रेजेंट इसमें क्या क्या बेटा निशानी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट कोई बच्चा मुझे बता दे बेटा क्या इसमें बताओ क्या होता है हाँ नहीं मेरा बताया बेटा शाबाश कहाँ है ती है दे है अमन ठीक कह रही है ये ठीक है बेटा
निशानी सबसे पहले लिख ले इधर, सिंबल या निशानदेही कह सकते हैं, निशानी लिख ले इधर, इसको पहचान। आखिर फिक्रे के आखिर में, ता है अंडरलाइन कर लें, टी है अंडरलाइन कर लें, ते है, ते है आएगा बेटा, टी हूँ या ता हूँ, तो ये मोटी मोटी इसकी अलामतें हैं, ये आती हैं, ये तब अलामतें होती हैं जब आपसे कोई फिक्र में उर्दू में बात कर रहा हो, जिसमें मैं रोटी खाता हूँ ता हूँ, मैं रोटी खाती हूँ ता दी है, ठीक है ना, मैं हम रोटी खाते हैं ते बन देते हैं, जिसकी जिसकी मैं कपड़े धोती हूँ ती है, ती हूँ यानी कि सिंगल या ता हूँ, इस चीज पे आपने देखना है। फिक्रा बनाने का तरीका, फिक्रा बनाने का तरीका, इसमें आप कैसे बनाएंगे बेटा, सबसे पहले क्या आता है मुसुमा फाइल को बेटा, फाइल सब्जेक्ट भी कहते हैं, सब्जेक्ट में क्या क्या आ जाते हैं बेटा, ये आपको हर चीज, एनी नेम, व्हाट इज दिस, जहाँ से चले जाएं ये एनी थिंग में आ जाते हैं, यहीं से ओके, तो वो आ जाएगी, उसके बाद ही शी इट दे वी यू आई, ये सारी चीजें आ जाएंगी उसमें, तकरीबन मोस्टली यही कवर होती है, ठीक है, एनी थिंग, एनी नेम मैंने सिंगल लिखा है, एनी नेम्स फिर लिखा है, यानी कि व्हाट इज दिस, ये क्या है जिसमें ठहरे हुए हम, रूम, जब इस बिल्डिंग के पूरे रूम्स की बात होगी तो हम क्या लिखेंगे, रूम्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रूम्स, उसके बाद क्या आता है बेटा, वर्ब, वर्ब, जिसकी इंग्लिश क्या है बेटा, फेल, किसको कहते हैं, वर्ब, यानी कि ये मेन पहचान होती है, क्या होती है, मेन पहचान होती है, जिसमें हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं, या ऐसी जगह भी होती है जहां नहीं भी करते, ठीक है ना, ये मोटी चीजें हैं जो मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ, यानी कि मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, आप मजीद कंफ्यूजन में जा जाएं, ठीक है ना, वर्ब की कोई मिसाल दे दो, वर्ब आप क्या कर रहे हैं इस टाइम, लर्न क्या है, वर्ब है, मैं आपको सबको पढ़ाता हूँ, आई लर्न योर लेसन, ठीक है, आप सबको सीखती हैं, यू लर्न द लेसन, ई लर्निंग, ये ईटिंग, राइटिंग, ये सारे वर्ब हैं जो आप, यानी कि जो एक्टिविटी कर रहे हैं लाइफ में वो आपकी वर्ब उसमें यूज होता है, ठीक है ना, सुबह उठे हैं, ब्रश किया है, ब्रश करना वर्ब, ब्रशिंग, उसके बाद फिर क्या है बेटा, कपड़े पहने हैं, उसके बाद वियरिंग, वियरिंग क्लॉथ, वियरिंग वर्ब है, उसके बाद टेक के बाद वर्ब है, उसके बाद बेटा फिर नाश्ता किया है, टेक के ब्रेकफास्ट, ईटिंग, ईट या टेक के ब्रेकफास्ट, ठीक है ना, yes. ये उसके बाद फिर स्कूल, गोइंग टू, आई गो टू स्कूल, ये जो चीज़ें पढ़ी हैं ना ये उसी में आए, उसके बाद फिर यानी कि कहने का मकसद रोना, खाना पीना सोना, ये सारी किस में आ जाते हैं, वर्ब में आ जाते हैं, ये वर्ब की पूरी दुनिया है, ठीक है ना, तो आपको मैं पहचान करा था उन वर्ब के साथ ऐसी आईएस कहाँ लगना है या कहाँ नहीं लगना, ये चीज आपने क्लैरिफाई करनी है अपने आप को, ठीक है, बोझ तो नहीं हो गया यहाँ तक, आपको नहीं हुआ, इधर से बैठे हुए हैं ये यहाँ तक, चले बस क्लोज करते हैं, उसके बाद क्या होता है बेटा, मफूल होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सॉरी बेटा, थैंक यू, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है बेटा, एनीवन कोई मुझे बता दे, शाबाश, जिस पर काम किया जा रहा हो, ठीक है ना, अब मैं क्या काम कर रहा हूँ बेटा, मैं टेंथ पढ़ा रहा हूँ, किस पे काम कर रहा हूँ, टेंथ पे काम कर, पढ़ाना है क्या है बेटा, टीचिंग, आई टीच द टेंथ, ओके, अब मैंने यहाँ ऐसे आई एस के इजाफा नहीं किया, ये तो बात की बात है ना, क्यों नहीं किया, जहाँ करना है वो भी बताऊंगा, ये आपको भी क्लियर हो जाएगा, तो समझ आ रही है, yes. मेरे ख्याल में यहाँ तक आपके लेक्चर आज काफी है, कल मैं आपसे ये जस्ट साइंस पूछूंगा, ये आपको बताना चाहिए,
टेंस की कितनी टाइप्स होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे बेटा। काफी है यहाँ तक। यस। थैंक यू।